वचन पत्र आया, शपथ पत्र आया, संकल्प पत्र आया, लेकिन कहां गया घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसी नौबत आ गई कि पार्टियों को घोषणा पत्र शब्द के इस्तेमाल से बचना पड़ रहा है। ये हैं तीन तस्वीरें। छत्तीसगढ़ और एमपी चुनावों में घोषणा पत्र गायब है और जनता का भरोसा जीतने के लिए संकल्प पत्र और वचन पत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सत्तारूढ़ बीजेपी को लीजिए, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र। सब राजनीतिक दलों के लिए जीतने हारने का चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव, नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का चुनाव है। हालांकि विरोधी पूछ रहे हैं कि पिछले संकल्पों का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चुनौती देने उतरे जनता कांग्रेस के अजीत जोगी एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने संकल्प पत्र नहीं बल्कि स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र उतार दिया है। ये पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस से अलग है। वो लोग तो घोषणा पत्र जारी करते हैं, संकल्प पत्र जारी करते हैं, जिसमें कोई जवाबदेही नहीं होती। मैंने जो बातें इसमें बुलेट पॉइंट्स पर लिखी हैं, उनमें से अगर एक बात भी मैं पूरी नहीं करूंगा, तो झूठी शपथ देने पर मुझे 2 वर्ष की जेल हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को नाम दिया है जन घोषणा पत्र, जबकि एमपी में कांग्रेस इस शब्द से बचती नजर आई। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उतारा है वचन पत्र। देखिए, ये वायदा नहीं हमारा वचन है। इसलिए शुरू में हमने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमला पत्र निकाला हमेशा, और इस जगह भी मैं जुमला पत्र निकालेगी, हमारा वचन पत्र है, कोई वायदा पत्र नहीं। पहली बार एक वचन पत्र रखा जा रहा है, एक संकल्प पत्र रखा जा रहा है, एक घोषणा पत्र नहीं, क्योंकि घोषणाओं से दर दर के ठोकरे खा खा कर आप और हम और प्रदेश की जनता निराशा का सामना पिछले 15 वर्षों से कर रही है। इस वचन पत्र में हर व्यक्ति के लिए कुछ है। घोषणा पत्र का मतलब होता है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल बताएं कि वो जीते तो क्या करने वाले हैं। इसी आधार पर जनता तय करती है कि किसे वोट दिया जाए। सवाल ये है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र जैसे शब्द से ही किनारा करना पड़ा है। क्या इसकी वजह विश्वसनीयता खोने में छिपी है? देखिए, घोषणा पत्र शब्द की विश्वसनीयता इसलिए घटती गई क्योंकि बीते दशकों में ऐसा आम तौर पर देखा गया कि पार्टियों ने जो वादे किए उनको निभाया नहीं, वो एक महज घोषणा बन के रह गई, वादे भी नहीं बन पाए वो। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने, नेताओं ने शब्दों को बदलना शुरू किया ताकि जनता कुछ विश्वास उनके शब्दों पे कर पाए। वचन पत्र, शपथ पत्र, संकल्प पत्र। अक्सर देखा यह जाता है कि चुनाव में वादे किए जाते हैं और अगले चुनाव में फिर से नए वादे कर दिए जाते हैं। इस बात का कोई सिस्टम नहीं है कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तय की जाए कि पिछले वादों का क्या हुआ। ऐसे में आखिरी फैसला जनता का होता है कि वो ही तय करे कि वादे पूरे ना करने की क्या सजा दी जाए। और अपने दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ की 18 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर सोमवार को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी दलों ने वादों की बौछार कर दी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि वादों के जितने लॉलीपॉप जनता को थमाए गए, उन्हें अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मैदान पर आज बड़ा टकराव देखने को मिला। 18 सीटों पर चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और जनता कांग्रेस अध्यक्ष अजीत जोगी ने अपने वादे नए नामों के साथ जनता के सामने पेश किए। छत्तीसगढ़ का 2018 का चुनाव, बाकी सब राज्य। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को कह रही है कि हमने इस मैनिफेस्टो को आपके साथ बनाया है, आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमने जो भी इस मैनिफेस्टो में लिखा है वो हम आपको अगले 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे। राहुल गांधी और मोदी जी तो बड़ी दूर दूर की बात करते हैं, 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार।
और मुझे ये पक्का विश्वास है कि खुद उनको नहीं मालूम होगा कि उनके घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें हैं। इन घोषणा पत्रों में रोजगार और किसानों पर खासी तवज्जो दी गई है। बीजेपी ने वादा किया है कि मनरेगा में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जनता कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ सरकारी लोगों को। इसी तरह किसानों के लिए तीनों दलों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने वादा किया है कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा, जबकि कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया है। इसके अलावा बिजली को लेकर भी वादों की भरमार है। बीजेपी ने वादा किया है कि राज्य में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। जनता कांग्रेस ने वादा किया है कि 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी ने रमन सिंह के कामों को गिनाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी सरकार से तेजी से विकास होगा। और अभी एक मणिकंचन योग है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ छत्तीसगढ़ में श्री रमन सिंह जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प बनेगी। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि 1,00,000 लोगों से बात कर जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हमने जनता का मैनिफेस्टो बनाया। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं का, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, सब वर्गों का मैनिफेस्टो है। और ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। वहीं छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जनता कांग्रेस ने स्टैंप पेपर पर घोषणा पत्र जारी किया। जोगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनके वादों की नकल मारी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम जन घोषणा पत्र कहा गया है, जबकि उसका असली नाम होना चाहिए जोगी नकल पत्र। तो मैंने उस पर जो एफिडेविट दिया था उसमें साफ लिखा था 2,500 रुपए समर्थन मूल्य, वही उन्होंने लिखा है। हम आपको बता दें कि नक्सली खतरे को देखते हुए इस बार सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण में 18 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 12 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।